नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं एस पी नई न्यूज़ एक तरफ़ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी रवाना हुए और दूसरी तरफ सचिन पायलट मुरादाबाद से हिरासत में ले लिए गए ये बहुत बड़ी खबर है जी हाँ जो जो मैं आपको इस वक्त बताने वाला हूँ कि आपने देखा कि जब राहुल गांधी ने ये ऐलान किया कि वो लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते हैं किसानों के दुख में साथ होना चाहते हैं तो प्रशासन यूपी प्रशासन ने उन्हें इजाज़त नहीं दी उन्हें परमिशन नहीं मिला लेकिन इसके बावजूद वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए और उसके बाद फाइनली वहाँ के कमिश्नर ने भी लखनऊ कमिश्नर ने भी साफ शब्दों में कहा था कि एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया जाएगा लेकिन फाइनली योगी सरकार को झुकना पड़ा उनको बात माननी पड़ी और इजाज़त देना पड़ा उसके बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए किसानों के दुख दर्द में शामिल हुए वहाँ के लोगों से मुलाकात की खास करके पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की उन्हें आश्वासन दिया उनके साथ बैठकर उन्होंने चाय भी पिया उन्होंने ये भी बताया कि हम आपके ही बेटे हैं हम आप जैसे ही हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है हिम्मत रखें न्याय जरूर मिलेगा प्रियंका गांधी ने तो यह भी कह दिया कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पे नहीं आएंगे वो लौटेंगे नहीं और देखना होगा कि क्या वाकई में क्या होता है एक तरफ दूसरी तरफ सचिन पायलट का जिस एक तरफ ये लोग जा रही थी लखीमपुर खेरी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही थी तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का जो है उन्हें गिरफ्तारी होती है उनको फिर से हिरासत में ले लिया जाता है जो बहुत बड़ी बात है आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखीमपुर खेरी जाना चाहते थे लेकिन एयरपोर्ट से उन्हें निकलने नहीं दिया गया तो वो भी वहाँ वहीं पर जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए धरने पर बैठ गए ये तस्वीरें भी हम सबको देखने को मिला तो अब इजाजत मिलने के बाद क्या आज पायलट को भी अब छोड़ दिया जाएगा क्या वो जा पाएंगे लखीमपुर खीरी जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते हैं क्या वो मौका मिलेगा उन्हें ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा फिलहाल के लिए इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नमस्कार